कैंसर, दिल की बीमारी, किडनी और लीवर की बीमारी, डायबिटीज समेत 1300 से अधिक बीमारियों को उसके इलाज को इस योजना में शामिल किया गया। 1300 इन गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी नहीं बल्कि देश के प्राइवेट अस्पतालों में भी सुलभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा के साथ देश के 50 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उपहार दिया है। बॉल का प्रॉब्लम है? बॉल बॉल आपको भी? कैसे है इतना बॉल का हो जाता है? एक बरस से। फिर आपने क्या किया? 3 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 4 लाख ऐसे बोलते थे। एक योजना चालू होने वाली है नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत योजना, 1 महीने के बाद में गए तो मेरा ऑपरेशन फ्री में होगा। डॉक्टर वो 1 लाख रुपए बोल रहे थे। 1 लाख रुपए ओवरऑल डालने का? हाँ। और एक महीना अस्पताल में भर्ती करने के बाद, हाँ। फिर मैंने वो योजना देखी, कार्ड मिला घर पे, तो कार्ड पे अस्पताल में ले गया, डॉक्टर ने बोला मुफ्त में हो जाएंगे। आयुष्मान भारत के नाम से प्रसिद्ध प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से देश भर के 18,000 से ज्यादा अस्पताल जुड़ चुके हैं। आपका नाम इस योजना में शामिल है या नहीं, इसकी जानकारी आप नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर या फिर 14555 नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। देश भर में काम कर रहे 21,000 से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के साथ योजना का लक्ष्य ऐसी आरोग्य व्यवस्था खड़ी करने का है जिसमें आपको घर के पास ही इलाज की उत्तम सुविधा मिल सके, जरूरतमंदों को इलाज के लिए भटकना ना पड़े। इसलिए दिसंबर 2022 तक देश भर में करीब 1.5 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स काम करने लगेंगे।